नमस्कार दोस्तों, आप लोग के बहुत बहुत स्वागत है ममिता सहनी कुकिंग चैनल में। तो आज कुछ हम नए रेसिपी के साथ फिर से आए हुए हैं। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, वीडियो कहीं भी बीच में छोड़ के मत जाइएगा, जिससे मेरे वीडियो आप लोग की अच्छी लगती होंगी। तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो टमाटर ले लिए हैं हम, बता देते हैं जी इसको हम क्या बनाएँगे। टमाटर के मुरब्बा बनाएंगे, आप लोग वीडियो का अंत तक पूरा देखिएगा तभी मालूम पड़ेगा। थोड़ा जो ये है मेरा गला में थोड़ा गला ख़राब हो गया है, इसलिए ऐसा आवाज़ मेरा निकल रहा है। तो आइए इसको पहले हम काट लेते हैं टमाटर को। अब लेते हैं हम एक बर्तन, बर्तन में जो टमाटर है इसको हम पीसेस में काट लेते हैं, बढ़िया फ्रेश ऐसा ही लंबाई पीसेस में इसको हम काटते हैं। ये देखिए बस ऐसा ही हम सभी को काट लेंगे। तो यहीं पर काट लेते हैं इसको सभी को, देखिए ऐसा ही पीसेस में सभी को हम काट लेते हैं। तो ये लीजिए पूरा काट लिए टमाटर को। अब चलते हैं हम बनाने, इसमें के सामान दिखा देते हैं क्या डालेंगे। डालेंगे हम एक तेज पत्ता, थोड़ा सा जीरा, एक हरी इलायची, इससे खुशबू बहुत इसमें अच्छा आएगा। मुरब्बा बनाने के लिए हम चूल्हे पर कढ़ाई रख लिए हैं, इसमें हम डाल लेते हैं 2 चम्मच के करीब तेल। तेल के बढ़िया गर्म होते हम इसमें जो मसाला दिखाए हैं डाल लेते हैं, बढ़िया से इसको तड़का लेते हैं थोड़ा। बस इतना चटकाना है इसको कि जीरा और इलायची तेजपत्ता के स्वाद इसमें जो मुरब्बा है इसमें आ जाए। तो ये लीजिए तड़का लिए बढ़िया से। अब इसमें जो टमाटर काट के रखे हैं वो हम डाल लेते हैं, डालकर खटाखट इसको चलाते हैं, अच्छे से चला लिए इसको। अब ऊपर से थोड़ा हम ढक लेते हैं, इसे छोलनी इसी में रहने देते हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं, ये देखिए कितना बढ़िया टमाटर गलना शुरू हो गया है। अब इसी पर हम डाल लेते हैं 6 चम्मच के करीब चीनी। इसमें एक सामान और हम डालेंगे, अपना मीठा के अनुसार से आप कम बेसी कर सकते हैं। तो चला लेते हैं डालकर, चीनी भी डाल लिए थे और डाल लेते हैं यहाँ पर हम 2 चम्मच के करीब क्रश कर के गुड़ डाल रहे हैं। इससे बहुत जो मुरब्बा है टमाटर के बहुत अच्छा लगता है, ज़रूर डाल के बनाइएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है, चीनी से बना सकते हैं आप। तो डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम 2-3 चम्मच के करीब। हम इसमें पानी डाल लेते हैं, हो गया पानी। अब इसको चला कर हम ढक देते हैं, हटा लेते हैं छोलनी इसमें से, ढक्कन लगा देते हैं, कवर कर लेते हैं। कवर करके इसको करीबन 5 मिनट पकाएंगे, 5 मिनट फिर से देखेंगे, फिर से 5 मिनट पकाएंगे। 10 मिनट लगता है इसको बनाने में, बहुत आसान रेसिपी है, ज़रूर आप लोग अपनाइएगा, बनाकर खाइएगा। तो 5 मिनट बाद इसको हम चेक कर लेते हैं, पर देखते हैं। तो ये देखिए 5 मिनट बाद कितना बढ़िया हो गया, और इसको हम थोड़ा ऐसा ही खुला में 5 मिनट पका लेते हैं। तो ये लीजिए 5 मिनट बाद ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर हो गया है। अब इसको हम उतार लेते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा टमाटर के मुरब्बा बहुत बढ़िया बेहतरीन बन कर तैयार है। ये देखिए दिख रहे हैं कितना अच्छा दिख रहा है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में, ज़रूर एक बार आप लोग बना कर खाइएगा। ये देखिए, तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा पूरा टमाटर के मुरब्बा बनकर है तैयार। ये देखिए दिखा देते हैं आपको हम और पास से कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो ये लीजिए पास से दिखा रहे हैं कितना अच्छा दिख रहा है, ये देखिए दिख रहे हैं कितना बढ़िया दिख रहा है, दिखने में जितना दिख रहा है उतना ही टेस्टी है।
टमाटर के मुरब्बा खाने में लगता है। आप रोटी पराठा के साथ ही इसको खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। ज़रूर बनाकर रेसिपी खाइएगा आप लोग। अगर दोस्तों टमाटर के मुरब्बा वाला रेसिपी आप लोग की अच्छी लगती होंगी तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अपने प्यारा प्यारा हाथों से हमें कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा कि मुरब्बा की रेसिपी आप लोग की कैसी लगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।